नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछु स्मृति लग्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। रमादेवी छात्री मृत्यु घटना भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना रे आत्मसमर्पण कला युवती पुरुष बंधु राकेश स्वाई फोन ट्रैकिंग अनुरोध कले झराफुल मां। चाषी को राज्य सरकार को धोखा कंट पुरला कष्ट गलानी चाषी मारण नीति विरोध में आज सब जिलापा उपजिलापा कार्यालय आगे बीजेपी कर विक्षोभ। कोरोना संकट रे विश्व पाई असर किरण देखाई भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रे आत्मनिर्भर भारत रो उदाहरण देले प्रधानमंत्री कहले 12 दिन रे 23 लक्ष लोक नहींछंती टीका देशर श्रम शक्ति रो उपरे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फोकस। एक्शन मोड रे दिल्ली पुलिस 26 जनवरी उपद्रवकारी विरुद्ध एफआईआर जारी हला लुकआउट सर्कुलर थाना रे पासपोर्ट दाखल पाई निर्देश। एवं पुणि अभिनेता सब्यसाची मिश्रंकर बदान्यता आर्थिक सहायता जोगु नुआ रूप पाइला साई सत्यजित सफल हेला विरल एवं जटिल ऑपरेशन सब्यसाची को छुटिला शुभेच्छार। संपूर्ण खबर को आसीबा रमादेवी छात्री मृत्यु घटना युवती पुरुष बंधु राकेश स्वाई भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना रे आत्मसमर्पण करिछि झराफुलर मृत्यु पछरे राकेश रा हाथ थिबा नै गतकाली अभियोग आनिथिले तांकर बापा। से कहिसेंति पूर्वरु राकेश सहित झराफुल फोन रे कथा हेउतला चैटिंग एवं वीडियो कॉल मध्य करि आसुतला जहाको बारण करि आसुतले परिवार लोक। झराफुल बापांक अभियोग आधार रे 5 वर्ष तळे जसीपुर रे राकेश काम करबा को आसीतला जेउठी झराफुलंक सहित तांकर बंधुता बढ़ीतला। सेपटे फोन ट्रैकिंग पई अनुरोध करिछंती युवतींक मां मयूरभंज जिला करंजियार झराफुल नायक। जाजपुर जिला कुआखिया अंचल मिलता युवती मृतदेह दुईज स्कूटी आसी मृतदेह आनी रास्ता कड़े फिंगी ए पूरा घटना सीसीटीवी रे कैद होता जहां आधार कर पुलिस घटनार छानबीन चल। ए बाबद अधिक सूचना फोन लाइन आम प्रतिनिधि रोशन अच्छा रोशन पूरा घटना जिते सामना को आसला चर्चार विषय पलटि किंतु राकेश जहां विरोध में गत काली झराफुल बापा संगीन अभियोग आनी आत्मसमर्पण कर सूचना रही कौन सूचना रुचि आप देखंतु स्मृति लग्ना जहाक विरोध रे अभियोग आनी झराफुल बापा एवं जो चर्चा होता राकेश स्वाई जी रही झराफुल पुरुष बंधु थे गत काली विलंबित रात सी आत्मसमर्पण कर एयरफिल्ड थाना सूचना आसपर एयरफिल्ड थाना पुलिस जाजपुर पुलिस को हस्तांतर करोटेपटे क्योंटा के घटना स्पष्ट कर हत्याकांड पचर निश्चित भाव में राकेश रात रही जो राकेश लुचुला और कौन सी चापर वशवर्ती शेष पुलिस पाखे आत्मसमर्पण करे जो हत्याकांड कारण को नहीं विभिन्न प्रकार प्रश्न उठुला क्यों कारण जो हत्या करकेश एका एस ओके रोशन राकेश को जेते बेले रिमांड रे निया जिबो जेते बेले पचरा उचरा करा जिबो हुए तो ए कथा सामना को आसी पारे जे कोन कारण रही छि किंतु सोनाली जे बंधु रही थिले युवती कर तांकु ने मध्य सस्पेंस जारी रही थिला से विषय रे अपडेट कोन देखंतु सोनाली तांकर जे जन बंधु थिले सोनाली तांकर जन्मदिन पार्टी रे शामिल हवा पई से आथिले तेनु वर्तमान तो पर्यंत तो सोनाली कर कोन भूमिका थिला से दे किछि सूचना मिलि पाटै किंतु क्योंटी ना क्योंटी प्रथम रु ही घटन राकेश कर संपृक्ति अनुभव करा जाउतला एवं ए जो प्रेम जनित कारण ही झराफुल हत्याकांड करा जाइछि बोली स्पष्ट करा जाउतला तेनु जो दुई जन युवक जो माने स्कूटी रे नै ताको डेड बॉडी को फोपाड़ जोड़ा सीसीटीवी रे कैद होती वास्तव में से दुई जन युवक किए से राकेश राकेश रो जन सहयोगी ना से दुई जन अलग दुई जन युवक जहाँ को राकेश हायर करतला से नहीं मध्य प्रश्न उठुची राकेश जेते बेले पूरा कहानी एवं कारण पुलिस सामना रे बखाणीबा एवं पुलिस निश्चय रोशन जेतु राकेश आत्मसमर्पण करिछि पूरा कहानी रो एबे गुमर फिटिबो बा घटना उपर परदा हटिबो बोली आशा करा जाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन समस्त अपडेट पाई वर्तमान धर्मशाला प्रतिनिधि आनंद महाराणा आम सहित जोडी होइछंती। आनंद कोन अपडेट रहउछि खबर बाबद रे देखंतु स्मृति लग्ना जेते बेले काली जेते बेले राकेश जेते बेले एयरफिल थाना जेते बेले आत्मसमर्पण करिछि आत्मसमर्पण कर सारा पर कुआखिया थाना थाना को काली रात अना जाइछि रात इंटरोगेशन करा जाइथिला एवं आज जहाँ पुलिस रो सूचना अछि स्पॉट अप्रूव आज निया स्पॉट अप्रूव निया जेव को भली भाव रे सी
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟାଇଛି, କୋଉଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା, କେମିତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଡିଟେଲ ବିଷୟରେ ସେଠି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସେ ମାନେ ଦେଖେଇବ ଯେ ପୋଲିସ କି ଦେଖେଇବ ଯେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ସେ ଆଣିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ବି ସେଟା ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। ଓକେ ଆନନ୍ଦ, ସିନ ରିକ୍ରିଏଟ କରାଯିବ ଏବଂ ରାକେଶ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା, ସେ ଯୁବକ କିଏ, କଣ ତାର ପରିଚୟ, ସମ୍ପୃକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ଉଠିବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସୋନାଲି, ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢିଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସୋନାଲି ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅଟି ଯୋଉ ନାଁଟି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୋଲିସ ସ୍କାନର ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକେଶର କାଲି ରାତିରେ କଣ ତାର ବୟାନ ରହିଛି, ଆଉ ସୋନାଲି ସହିତ ତାର ବି କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କି ସେ ଝିଅର ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ରାକେଶ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହବ, ଆଜି ବି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନ 3-4 ଭିତରେ ପ୍ରେସମିଟ ବି ହେଇପାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ବୋଧେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ସିଏ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ, ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ରିକେସ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି ରାକେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯିବ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯିବ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ରାକେଶ ଆସିବ, ତାପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରେସମିଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କଣ୍ଟ ପୁରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର, ଧୋକା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଣ୍ଡିରେ, ଶୀତ କାକରରେ ଚାଷୀ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। 5 ଲୋକସଭା, 37 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଦଳ। ପୂର୍ବରୁ RDC ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ, ଏ ସମୟ ପୂରା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରିଲା ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି। ପୁଣି ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ରୂପ ପାଇପାରିଛି ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ। ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ୁଥିଲା, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିରଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଅପରେସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ, ସଫଳ ହେଲା ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଅପରେସନ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସଫଳ ହେଲା ଅପରେସନ। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର, ଯିଏକି ସାଇଙ୍କ ଅପରେସନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ସାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ନିକଟରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଆଖି ଓ ନାକ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ନା ସାଇ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପୁଷ୍ପରାଜ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ବିରଳ ଅପରେସନ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି କେସ୍ ବହୁତ ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 1971 ପରଠୁ ଏଭଳି ଅପରେସନ ପାଖାପାଖି 150 କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ। ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ପାଇଁ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ରତି 3 ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶ ଯେମିତିକି ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବିରଳ ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡକ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହାସହ ସାଇ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଲଢ଼େଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ଭାରତ। କରୋନାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ 12 ଦିନରେ 23 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଶର ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଶର ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 12 ଦିନରେ ଦେଶରେ 23 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ ଭାରତ ତାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ଠପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ 150 ଦେଶକୁ ଜରୁରୀ ମେଡିସିନ୍ ପଠାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଭାରତ କି ସ୍ପିଡ୍ କା ଅନ୍ଦାଜା ଆପ ଇସି ସେ ଲଗା ସକତେ ହୈଁ କି ସିର୍ଫ 12 ଦିନ ମେ 12 ଡେଜ୍ ମେ ଭାରତ ନେ ଅପନେ 2.3 ମିଲିୟନ ସେ ଜ୍ୟାଦା ହେଲ୍ଥ ୱର୍କର୍ସ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ କର ଚୁକା ହୈ। ଅଗଲେ କୁଛ ମହିନୋଁ ମେ ହମ ଅପନେ କରିବ 300 ମିଲିୟନ ବୁଜୁର୍ଗ ଔର କୋମୋର୍ବିଡିଟି वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। सपोटे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रे शामिल हुई थिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पैनल रे जोगदेई केंद्र मंत्री देश रे श्रम शक्ति उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। महामारी देश रो श्रम शक्ति को नुआ दिगरे व्यवहार करिवारो सुजोग आनिथिबा कहथिले केंद्र मंत्री। ମହାମାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭ୍ରି ଇୟର 25 ମିଲିୟନ ନ୍ୟୁ ପିପୁଲ ଆର୍ ଜଏନିଂ ଦ ୱାର୍କଫୋର୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରଡର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ସିନେରିଓ। ଆୱର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ସୋସାଇଟି ହାଉ ଟୁ ବ୍ଲେମ୍ ଦ ଆସ୍ପିରେସନ education, knowledge and employability and skill. With the recent reform on education policy, which is known as New Education Policy 2020, we are very much giving focus for the reskilling, upskilling, and this pandemic has given us enormous opportunity to relook certain pending things. Corona mahamari pare biswar najar ebe Bharat upare raichi. World Economic Forum re ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର 400ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜାରି ହୋଇଛି ସର୍କୁଲାର। ଥାନାରେ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଜାରି ହେଲା। ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲିରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାମିତ କୃଷକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜାରି କରିଛି ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର।
एफआईआर नामित कृषक नेतामानंकु सेमानको पासपोर्ट दाखल करिबाकु कोहा जायछि बोली पुलिस अधिकारी जणाइछंती। केन्द्र मंत्री अमित शाहंक अध्यक्षतारे अनुष्ठित बैठक परे एही निष्पत्ति निया जायछि। कृषक ट्राक्टर समावेश रे जातीय राजधानी रे व्यापक हिंसा घटिबा परे गृह मंत्रालय तरफ जरूरी बैठक अनुष्ठित होइथिला। शाह क्रमगत भाव में दिल्लीर परिस्थिति उपरे नजर रखिछंती एवं बुधवार विलंबित राति रे एवं गुरुवार सकाळे मध्य बैठक करिछंती। अभियुक्त कृषक नेतांक विरोध रे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकु दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जायछि बोली कहिछंती गृहमंत्री। विदेश यात्रा न करबा पई जणे अभियुक्तक विरोध रे लुकआउट सर्कुलर मध्य जारी करा जायछि। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार को सह आलोचना रे जड़ित थिबा 40 टी फार्म यूनियन रो 30 रु अधिक नेतांक समेत अन्य मानक विरोध रे 25 टी एफआईआर दायर होईची। 37 जण फार्म यूनियन लीडर को समेत संयुक्त किसान मोर्चा रो 6 जण मुखपात्र को ना रे बाहर दिल्ली रो समयपुर बदली पुलिस स्टेशन रे एफआईआर दायर करा जायची। लाल किला रे पताका लगाईतिबा युवक जणक पंजाब तारानर गांव गुजरात सिंह बोली जनापड़ी। पुलिस कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा मात्रे से एवं तांको पितामाता घर छाड़ी पलायतिबार जनापड़ी। लाल किला घटनारे एफआईआर मध्यरु जणे पंजाबी चलचित्र अभिनेता दीप सिद्धू एवं लखवीर सिंह सिद्धाना मध्य अछंती। बुधवार दिन दिल्ली पुलिस अभियोग करिछि कृषक नेता माने हिंसा को उस्काइबा पई भाषण देइछंती ओ बैरिकेड को भांगिछंती। तेबे एही ट्रैक्टर पैरेड रे होइतिबा हिंसा घटनारे संपृक्त 394 जन कर्मचारी आहत होइछंती। एठारे एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधित करी दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव कहिछंती कृषक संगठन माने राली पई धार्य शर्त पालन करिनथिले ओ आईन को अमान्य करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विश्वर अन्यतम लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लाटफर्म ह्वाट्सअप्र नुआ प्राइवेसी पॉलिसी सपक्षे एवं बाहरी यार मालिक मार्क जुकरबर्ग स्पष्ट करिछंती किभली यहा द्वारा प्रभावित हेबो नाही साधारण यूजर्स। विश्वर विभिन्न देश समेत भारत में ह्वाट्सअप्र नुआ प्राइवेसी पॉलिसी नहीं विवाद सृष्टि हेबा परे निकटरे दिल्ली हाईकोर्ट रे एक मकदमा होइथिला। ह्वाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी सपक्षे मार्क जुकरबर्ग केवल कमर्शियल डाटा को फेसबुक सह शेयर करिबो व्हाट्सएप परिवार एवं बंधु मानंक सह शेयर हेउतिबा टेक्स्ट एवं वीडियो मेसेज रो गोपनीयता रो ग्यारंटी। भारत रे व्हाट्सएप रो नुआ प्राइवेसी पॉलिसी ने सृष्टि होईची विवाद। मे 15 पर्यंत भारत रे लागू हेबनी प्राइवेसी पॉलिसी। विश्वर अन्यतम लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप रो नुआ प्राइवेसी पॉलिसी सपक्षरे एबे बाहरिछंती एहार मालिक मार्क जुकरबर्ग स्पष्ट करिछंती किपरि एहा द्वारा प्रभावित हेबेनि साधारण यूजर्स। विश्वर विभिन्न देश समेत भारत रे व्हाट्सएप रो नुआ प्राइवेसी पॉलिसी नै विवाद सृष्टि हेबा परे निकटरे दिल्ली हाईकोर्ट रे एक मुकदमा होइथिला। मुकदमा को आखि आगरे रखि मे 15 पर्यंत भारत रे एहा लागू हेबनि बोली निष्पत्ति नैछि व्हाट्सएप रो मूल कंपनी फेसबुक। तेबे एहार मालिक मार्क जुकरबर्ग नुआ पॉलिसी सपक्षरे एबे कहिछंती व्हाट्सएप रा मेसेज गुडी को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होइतिबारु केउ यूजर्स कहाँ पाखो को केउ टेक्स्ट एवं वीडियो मेसेज शेयर करुछंती बा कोन कथा हेउछंती ताहा कंपनी बा आउ केहि जानिबा संभव हो। यूजर्स जदि तांको मेसेज कंपनी सहित शेयर हेउ बोली चाहिबे तेबे ही ताहा संभव होइ पारिबो। केवल व्यवसायिक उद्देश्य रे खोला जाउतिबा अकाउंट्स को व्हाट्सएप एयर मूल कंपनी फेसबुक सहित शेयर करिबो जदि संपृक्त यूजर्स निज व्यवसाय पई एहा चाहू थांती। दैनिक प्राय 175 मिलियन लोक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट माध्यम रे मेसेज आदान प्रदान करिथांती। सेमानकर व्यवसायिक कारोबार को अधिक सहज करबा उद्देश्य रे नुआ प्राइवेसी पॉलिसी अणा जायछि बोली युक्ति करिछंती मार्क जुकरबर्ग। तेबे एहा बाध्यतामूलक नुहे बरं यूजर्स क इच्छाधीन बोली कुहा जायछि। कोर्ट रो आदेश क्रमे कंपनी मे 15 पर्यंत प्राइवेसी पॉलिसी लागू न करबा पई निष्पत्ति नेथिले मध्य ए संपर्क रे दायर होइतिबा मुकदमा एबे दिल्ली हाईकोर्ट रे विचाराधीन रहिछि। ए बाबद रे उपयुक्त जवाब रखिबा पई व्हाट्सएप रो सीईओ को पत्र लेखिछि भारत रो आईटी मंत्रालय। एहा मध्य रे भारत रो अनेक यूजर्स व्हाट्सएप छाडी
टेलीग्राम एवं सिग्नल भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाइथिबार जाना पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बीजेडी ब्राउन सुगर आउ विवाद संकटरे संजीव एठे आमे भद्रकर विधायक संजीव कुमार मल्लिक कथा कहूँ कारण धला जहर बिकुवा जड़े व्यवसायी सहित विधायकों फोटो एवं भाइराल होबारे लगी जहाँ विरोधी प्रश्न उठाई ब्राउन सुगर बेपारी सहित बीजेडी और विधायकों कौन लिंक रही। बीजेडी ब्राउन सुगर लिंक संकट में संजीव अड़ुआर बीजेडी विधायक संजीव कुमार मल्लिक ब्राउन सुगार बेपारी विधायकों फटो दल रे धला जहर बिकुवार काम कण भलकर देखु ए भिजुआल ए होंगे मिहिर मिनाज कादरी जहां को मंगलवार गिरफ्त करथिला एसटीएफ अभियोग थिला ब्राउन सुगार कारबार रो भद्रक रे चढ़ाऊ बेले एक केजी रु अधिक ब्राउन सुगार जबत करथिला एसटीएफ किंतु बीजेडी विधायक संजीव कुमार मल्लिक फटो एवं सोशल मीडिया रे वायरल होबारे लगी जहाँ संजीव को टार्गेट करी उभय बीजेपी और कांग्रेस सीधा सड़क भाव संपर्क विधायक सहित आम फोटो देखीचु विधायक पाखर भी अंतरंग भाव छिड़ा हबार फोटो देखीचु एठी बीजेडी सरकार को छत्र छायरे अपराधिक मामला अपराधी माने पृष्ठपोषकता नहीं कि आगू बढ़ुचंती आउ एभलिया अपराधिक मामला बढ़ुची एटा आम सीधा सड़क अभियोग करछु तुरंत यार भल भाव तदंत करा जाउ आम जहाँ आम पाखर खबर अच्छे सरकारी दल रोच प्रमाणित हैला जहाँ आम भाइराल हवा पोस्ट रु देखुची जो पिला धरा पड़ी ड्रग्स कारबार रे से पिला आज विधायक पाखरे छिड़ा है एठू पूरा प्रमाण मिल जाऊ जो अभियोग विगत दिन रे करी आस्तुलु ता संपूर्ण सत फोटो भाइराल परे विधायकों पाई बढ़ुची अड़ुआ भद्रक रे धला जहर बेपारी प्रश्रय देउची कि शासक दल से बारंबार खसी जाउछंती कि ब्राउन सुगर बेपारी मिहिर को बीजेडी जाणी दल रे रखी ना अजाणतरे दल सह संपर्क थिबारु तांको घंटो घोडाउथिला कि दल आपण मन जानितो समस्त ये विधायक जे अछन्ति जणे व्यापारी से आछन्ति किछि माफिया तयार करि भलो व्यापार करि कि ये निर्वाचन मंडल रो लोकमानकु अंधार रखि से ता व्यापार करि चल जिवे आपण माने विधायक को पचारंतु से कोन कहिबे तांकर से क्लारिफिकेशन दियंतु कोन एथरे ये जो ब्राउन सुगर माफिया मानु काई के प्रश्रय देउछन्ति तांकर सहित मिसिकि चारिआड़े निर्वाचन मंडल चारिआड़े बुलुछन्ति फोटो को नहीं उत्तर रखिबे कि विधायक दल स्पष्ट करिबे कि फोटो को नहीं हेउथिबा दाबी पछरे केते सत्यता रहिछे भद्रक रु दीप्तिरंजन साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गंजाम सरल रे नाबालिकांकर गला काटी हत्या उद्यम वर्तमान मृत्यु सहित नाबालिका संग्राम करुछंती बा संघर्ष करुछंती कटक केसीबी मेडिकल रे मृत्यु सहित जुझुछंती नाबालिका जनक वर्तमान नाबालिकार अवस्था संकटापन्न रहितबा सूचना गतकाल घरे एका थिबा समय रे 7 वर्षर नाबालिकांकु टेकी नै गला काटी हत्यार उद्यम करथिले दुर्बुत रक्त जुडुबुडु अवस्था रे नाबालिका को उद्धार करा जैथिला ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे भर्ती करथिले गां लोक परे अवस्था संकटापन्न होइथिला जोंतिपई कटक मेडिकल को स्थानांतर करा गला घटना रे जने युवकंकु काबू करी निस्तुक माडो मारथिले गां लोक परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंचीथिला युवकंकु उद्धार करबा सहित मेडिकल रे भर्ती करथिले अन्य जने अभियुक्त पुलिस अटक रखिथिबा मध्य सूचना रहछि। मॉर्निंग बॉस को इच्छा के बाबी दादियों तो नमस्कार।